आपको ना शर्माना शर्माना जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जी, मेरा एक दिन मैं सोई हुई थी और मेरा सोया घर पे नहीं था, और मेरा जेठ और मैं उनका भाई मईनुद्दीन वो मेरे पास आया और मेरे साथ आके बदतमीजी थी, और उन्होंने कहा कि अगर तूने किससे बतलाया तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो ये बात सुनकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश से मैं बाहर निकली किसी तरह छूट के उससे, और उन्होंने सब घर के जो आदमी थे उन्होंने मुझे फिर अंदर लाए। किस तरह की बदतमीजी करी उसने? मेरे साथ विरोध किया। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं छुटके किसी तरह भाग गई, तो उन्होंने सब जो घर के आदमी थे वे मुझे अंदर लेकर आए और मुझे मारा पीटा। जब मेरा खून निकलने लगा तो मुझे फिर छोड़कर भाग गए, और मेरे से फोन छीनना चाहते थे, तो मैंने फ़ोन नहीं दिया और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर उसके बाद मेरे घर को भी पता चला, उनको फ़ोन किया तो वे आगे नहीं मदद के लिए मुझे थाना लेकर आए। जब आप घर पर आ गए थे फिर क्या हुआ? पहले मैं थाना पहुँची तो मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ से नोटिस भी आया हुआ है, तलाक का नोटिस आया हुआ है। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी और कब हुई थी? मेरी शादी कफरौली के गांव तिहरा में हुई थी, और 2017-16 मार्च। अच्छा, ये आपके शोहर कहाँ काम करते हैं और क्या नाम है उनका? दिल्ली में इमारत कराते हैं, फखरुद्दीन उनका नाम है। आपके जेठ का नाम, जिसने आपके साथ बदतमीजी की है? मईनुद्दीन उसका नाम है। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या मदद हुई आपकी? हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और पुलिस में हमने इख्तला की थी तो उन्होंने अभी तक हमें कोई कार्रवाई का हमें कुछ नहीं पता चला, उन्होंने तो कुछ हुआ अभी हुआ। तो आपको जल्दी जल्दी उनका कार्रवाई होनी चाहिए। तो तलाक आपको मिल गया है? जी, तलाक के नोटिस भेजे हैं। कितने तलाक के? कितने आप इसमें सही मानते हैं इसको, तलाक को? सर, ककरौली का एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने देवर पर रेप का आरोप लगाया और तलाक दिया। एक ककरौली क्षेत्र की एक महिला जो कि शादीशुदा है और उसका पति दिल्ली में इमामत करना बताया गया है, उसके द्वारा लगभग एक माह पूर्व अपनी पत्नी को यानी कि पीड़ित महिला को 3 तलाक का नोटिस भेजा गया था। महिला उसी के गांव में रह रही थी, उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि उसका जो जेठ है वो रात्रि में उसके यहाँ घुसा और उसके साथ दुराचार किया। इस संबंध में पीड़ित महिला से एक FIR की तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर FIR दर्ज की गई है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जा रही है। जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।